अस्सलामुअलैकुम। मैंगो दही और मिल्क की हम आपके साथ जूस की रेसिपी आप लोगों से शेयर करते हैं। चलिए इससे पहले कि हम रेसिपी शुरू करें, हम आप लोगों को वो चीज़ें दिखा दें। हमने ये दो तीन वैसे हमने आम रखे हुए हैं, लेकिन हमने ये दो आम लेने हैं और ये एक हमने प्याली दही की लेनी है, एक गिलास दूध का लेना है और ये चम्मच हसबे ज़रूरत है। जितनी भी आप चीनी डालना चाहें वो आप चीनी डाल सकते हैं। मैंने हम अपने आम का छिलका, तो प्यारे व्यूअर आम का छिलका उतारते हैं। फ्रिज में आम रखे हों तो छिलका बहुत जल्दी उतर जाता है। मुल्तान के आम वैसे बहुत मीठे होते हैं। मुल्तान के आम और मुल्तान का सोना हलवा बहुत मशहूर है। ये लोग बाहर के मुल्कों में भी लेके जाते हैं और एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं। और मुल्तान में ये आमों का आज बहुत ज़ोरों का सीज़न है, लोग आम भी अपने रिश्तेदारों को गिफ्ट के तौर पर देते हैं। लेकिन ये आम देखने में सफ़ेद लग रहा है, लेकिन ये बहुत हद से ज़्यादा मीठा है आम, और इसमें मिठास बहुत ज़्यादा है। तो हमने सोचा आप लोगों के साथ आज आम के जूस की, यानी कि लस्सी, जिसे हम लस्सी भी कहते हैं, जूस भी कहते हैं, इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। अपना आम काट लिया है और अब हम अपनी ब्लेंडर मशीन में अपना आम ऐड करते हैं। हम पानी का इसमें डालेंगे, एक गिलास ये पानी का, वो भी इसमें हम डालेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो एक गिलास, ये एक प्याली हमारी दही की है, वो इसमें डालते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब इसके बाद हम इसमें अपनी ये चीनी, जितना आपका दिल चाहता है आप डाल सकते हैं। मैं तो इसमें 3 चम्मच डालूंगी, क्योंकि आम बहुत मीठा है, इसका जायका बहुत मीठा है और ज़्यादा चीनी आम में अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जूस में कम ही चीनी अच्छी लगती है। अब मैं अपनी ब्लेंडर का ढक्कन बंद करती हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो अब इसको मैं चलाती हूँ अपनी ब्लेंडर मशीन को। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो 2 से 3 मिनट तक इसको मैं चलाऊँगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। करते हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जूस हो, शरबत हो, शरबत हो, शिकंजबीन हो, तो प्यारे व्यूअर्स उसमें ठंडी ज़्यादा अच्छी लगती है, ज़्यादा ठंडी ही अच्छी लगती है, गरम गरम नहीं अच्छी लगती और ना दरमियानी अच्छी लगती है। लेकिन यक ठंडी हो, उसे पीने से दिल को ठंडक पहुँचती है और मज़ा भी बहुत आता है पीने का। तो मिल्क शेक भी ठंडा ही बहुत अच्छा लगता है, कोई भी मशरूब हो वो ठंडा ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अब हमने बर्फ़ अपनी ऐड कर ली है, अब कम बेशी वो हम बाद में कर लेंगे। अब अपनी हम ये ब्लेंडर मशीन चलाते हैं एक दफ़ा फिर 1 से 2 मिनट के लिए। हम इसके ऊपर बंद करते हैं अपना बिस्मिल्लाह रहमान रहीम और दोबारा से इसका बटन ऑन करते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से ये हमारा जूस बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसे हम अपने गिलासों में डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो देखिए माशाल्लाह से ये हमारा बिल्कुल जूस स्मूद हो चुका है। देखिए माशाल्लाह से गाढ़ा गाढ़ा जूस। आप लोग ये आम की लस्सी आप लोगों ने ये पहली दफ़ा पियेंगे, आपको बहुत मज़ेदार लगेगी, बहुत आपको अच्छी लगेगी, आप दोबारा से ये लस्सी बनाएँगे। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब मैं इसको अपने गिलास में डिश आउट करती हूँ। मुल्तान के आम, हमारे आम वैसे सफ़ेद ही थे लेकिन थे मीठे, तो ज़रूरी नहीं कि सुरख आम हो फिर ही वो मीठे होते हैं, लेकिन हमारे जिस मुल्तान के आम बहुत मीठे और बहुत मज़ेदार होते हैं। मुल्तानी सोना हलवा भी बहुत मज़ेदार होता है। आप लोगों के रिश्तेदार या आप लोग आए जाएं तो मुल्तान का सोना हलवा और मुल्तान के आम आपने खाए तो आप सारी ज़िंदगी याद रखेंगे कि हमने कोई सोना हलवा खाया है या हमने मुल्तान के आम खाए हैं। हमारी ये फाइनल लुक है। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो जो कि हमने मैंगो दूध और दही
की स्मूद और बहुत ही मज़ेदार टेस्टी जूस की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो आपने कमेंट्स बॉक्स से हमें ज़रूर बताना है, कमेंट्स करके कि आप लोगों को ये हमारी लस्सी, यानी कि ये है तो वैसे लस्सी ही मैंगो की लस्सी है, नए तरीके की, नए अंदाज़ की, आप लोग को पसंद आएगी। पसंद आए तो आप लोगों ने हमें ज़रूर कमेंट्स करके, कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर कमेंट्स करना है कि आप लोग को ये हमारी पसंद, अगर आप लोग को ये हमारी स्मूद लस्सी पसंद आई है तो आप लोगों ने घर में ज़रूर बनानी है। घर में कोई मेहमान आए तो आपने नई तरीके की लस्सी आप लोगों ने उनको भी बना के ज़रूर। अब चलते हैं, अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट होती है कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है और लाल रंग का बटन प्रेस करना है ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक। तो जो मेरी बेटियाँ हैं वो ये मुझे कहने नहीं दे रही, वो कह रही हैं कि आपने मम्मा जी ये लस्सी नहीं कहना, मैंगो दही और ये मिल्क आपने ये जूस कहना है। तो प्यारे व्यूअर, अब आप लोगों ने ही हमें कमेंट्स करके बताना है कि ये मैंने जो बनाया है आप लोग को ये दूध लग रहा है, ये आप लोगों को ये स्मूद लग रहा है, ये लस्सी लग रही है। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। तो ये थी आज की ये मजाक वाली बात। तो मौसम है, बारिशें बहुत ज़्यादा हमारे इधर मुल्तान में आई हैं, तो जिसकी वजह से जगह जगह से सांप निकलने शुरू हो गए हैं। आज सुबह से हमारे घर में सांप निकला हुआ है, जिसकी वजह से मुझे बहुत परेशानी बनी हुई है और मुझे डर भी लग रहा है, क्योंकि पहले जो सांप निकलता था हम वो मार देते थे। अच्छा लगी हुई है कि वो सांप कहीं हमें काट ही ना ले। तो प्यारे व्यूअर्स, आप लोगों ने ये दुआ करनी है कि जो वो सांप निकले और बाहर चला जाए और अल्लाह ताला हमें पक्का घर दे। आप लोगों ने सब ने मिलकर दुआ करनी है और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह।